उद्धव ठाकरे बीजेपी पर बड़ा हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं एक है तो सेफ है। इस नारे पर पलटवार करते हुए कि बीजेपी साफ हो रही है इसलिए एक है सेफ है का नारा दिया जा रहा है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम हाथों से काम, ये है उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। हमारा हिंदुत्व इनकी तरह नहीं है, यानी बीजेपी वालों की तरह नहीं है, ये कहा है उद्धव ठाकरे। और विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, विजय जी क्या कहेंगे? देखिए उद्धव जी ने जो है जो बाला साहब की एक विचारधारा थी उसको गंगा जी में बहा दिया। आप देखिए पालघर में किस तरह से नृशंस हत्या हुई थी साधुओं की, इनके एक शब्द नहीं निकला, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये वो इनके राज में ही था। तो ये कैसी बातें करते हैं, ये तो वो बातें करते हैं कांग्रेस की गोदी में जा बैठे सत्ता के लिए। और यही किशोर जी मेरे साथ डिबेट में कह रहे थे कि अगर हमें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली तो आप महाराष्ट्र में नहीं जीतेंगे। तो इनकी विचारधारा सिर्फ लूटो खसूटो भ्रष्टाचारी सारी, वो बाला साहब वाली आत्मा इनके अंदर नहीं रही। अब जन्म से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। तो इन्होंने हिंदू, लेकिन विजय जी वो तो यही दावा करते हैं ना कि असली शिवसेना वही है जो बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने वाली शिवसेना है। आप मुझे बताइए अगर बाला साहब के विचार वाली थी तो पालघर में आपने भी देखा होगा किस तरह से पुलिस ने उनको मौत के घाट उतरवाया था, हाथ झटक दिया था साधुओं का, किस तरह से घेर के मारा गया था। शर्म आती है मुझे। और फिर उसमें हीरा पोती की गई। आप मुझे बताइए औरंगाबाद का संजय राउत को क्या निकालिए, संजय राउत को कहते हैं नाम बदलने से क्या होता, कुर्सी दिखाई देती है। ठीक है ये विकास का ठीक है, आइए ना हमारे साथ आइए। ठीक है आप कह रहे हैं कांग्रेस की गोदी में जाके बैठे हैं, हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया। दीपक क्या ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से, बीच में मत बोला कीजिए, जब आपसे सवाल पूछा जाए तब बोलिए, बताएं। देखिए इनको साधुओं की इतनी चिंता है, मैं तो कहता हूँ हरिद्वार जाइए, अयोध्या जाइए, ऋषिकेश जाइए और साधुओं के हालात देखिए। कई साधु तो ऐसे हैं जो तपस्या करते हैं, वो अपना इनसे इनके ऊपर आश्रित नहीं रहते, लेकिन साधुओं के लिए कहीं भी आप छायादार घर बनवा दीजिए, इतना है तो नहीं बनवाएंगे। आपने क्या कार्रवाई किया पालघर के लिए? तुरंत उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको अरेस्ट किया गया था, जो भी हमलावर थे जो भी थे। तो अब मॉब लिंचिंग, आप फरीदाबाद में आ जाइए, हरिद्वार गुड़गांव में आ जाइए, आप हिंदुओं को मरवाते हैं गौ हत्या के नाम पे, गौ मांस के नाम पे, ये मरवाने कटवाने का काम आप कर रहे हैं। तो इसलिए भाजपा के पास अनाप शनाप कर रहे हो, कौन से हिंदू को हत्या के नाम पे मारे गए? फरीदाबाद में दीपक जी प्रमाण के आधार पे बात कीजिए, ऐसे टीवी चैनल पे बैठ के ऐसे झूठ सपना मत करिए, प्रमाण के आधार पे बात कीजिए। हिंदुओं को मरवाओगे साधुओं की चिंता होती है, लेकिन हिंदू लड़कों को मारेंगे हम गौर रक्षक हैं, मुस्लिमों को हम गौर रक्षक हैं, बचे रहेंगे। आप की तरह की है कि आप जो है गो हत्यारों के साथ खड़े हो जाते हो, आप अखलाक के जी कैसी आपका देश और आपका कानून ऐसा नहीं है, आपका चाल चरित्र देश नहीं है, हमारा देश है। राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, आप लोगों के बाद में एक दर्शन दिखाइए, जब चुनाव होते हैं जब राहुल गांधी जी जो है ठीक है देखिए देखिए ऐसा तो ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। और जो मूल बयान है जिसकी वजह से ही अचानक से सियासी बहस छिड़ी है उस पर बात नहीं हो पाएगी, बहुत आगे बात चली गई। दुबे जी अब सवाल यह है कि कभी एक साथ रहे एक साथ लड़े दल भी महाराष्ट्र में अपने एक दूसरे के लिए इतने कटु हो गए, इतने कड़वी बातें हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ इतने शब्दों का कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र की राजनीति में ये दलों के टूटने की वजह से अलगाव होने की वजह से ये स्तर पहुंचा है, ये लेवल आया है सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आइडेंटिटी का क्राइसिस है, सब बताना चाहते हैं कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। रवि मिश्रा जी बात साफ हो चुकी है, अगर उद्धव ठाकरे साहब ने अगर कहा है कि हिंदू तो दिल में है, दुर्भाग्य है सत्ता के लाचारी के लिए इतना नीचे गिर जाना। मैं किसी समय में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे नारा दिया करते थे रवि जी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, किशोर तिवारी जी आज कहो कि घरों से कहो हम हिंदू है, छोड़ दो उनके विचार, अब तो उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि हिंदू मेरे दिल में है। अब यही असली नकली की बात है, हम तो माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों पे चलना है हमको। जिस दिन मुझे चुनाव में जीत हार क्या इसी बात पर तय होगी कि कौन असली हिंदू है, कौन कितना बड़ा हिंदू है? दुबे जी एकदम तय हो गया कि हम घरों से कहते हैं, हम घरों से कहेंगे हम हिंदू हैं।
अच्छा आज इनकी व्यवस्था लाचारी इनके सत्ता के खातिर ये कांग्रेस के गोद में बैठ गए जो तो भाई फिर वही कहा जाएगा ना कि जाति और धर्म के नाम पर आप लोग चुनावों को ले आए हैं, उसी के आधार पर जीत हासिल करना चाहते हैं। फिर यही तो बात कही जा रही है, कोई जातियों के नाम पर बांट रहा है, कोई धर्म के नाम पर बांट रहा है, अल्टीमेटली हो तो यही रहा है।